तो आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल नमक पारे रेसिपी। ये दिखने में जितना ही अट्रैक्टिव है, बनाने में उतना ही इजी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया है, हम इसे इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच घी ले लिया जिसे अच्छे से गरम कर लिया है। और अब हम इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है। एक बार स्पून से मिक्स करने के बाद हम इसे हाथ से अच्छे से मैश करते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। और इसमें जो मैंने मोहन लिया था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये मुट्ठी इसे बांधने से ये बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। और अब हमारा डो बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया जिसे गीला कर लिया है और अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। हमने इसे इसमें इसलिए लगाया जिससे कि ये सूखे ना, और 10 मिनट्स हो चुके हैं। और अब हम इस तरीके से इसके लोई बना लेंगे, उसके बाद इसे एकदम पतला रोटी की तरह एकदम ही पतला हम बेल लेंगे। और अब हम बीच बीच में इस तरीके से मैदा लगाते हुए इसे बेल लेंगे। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे इस तरीके से इतना पतला बेल लिया है। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कटोरी ले लिया है और अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सर्कल एकदम तैयार है। और अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरीके से निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा प्लेस बना लेंगे। तो यहाँ पे पूरे सर्कल को थोड़ा साइड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एक सर्कल को ऐसा लेके यहाँ पे बीच में सेंटर में ऐसे पानी लगाएंगे। फिर एक के बाद एक हम इस तरीके से पानी लगाते हुए टोटल 6 सर्कल को इस तरीके से लगा लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे एक लकड़ी का स्पून ले लिया है और अब हम इसे इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर लेंगे जिससे ये बहुत अच्छे से चिपक जाए एक दूसरे से, मतलब तलते वक्त ये निकले ना। और अब आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है, तलने के बाद ये और भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे फ्लावर को रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक तरफ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और अब हम एक एक करके नमक पारे को इसमें डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। तो पहले इसमें सबसे पहले हम इसको डालने के बाद स्पून से हम इस तरीके से पूरे लेयर्स को अपन ओपन कर लेंगे जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से हम सारे नमक पारे को रेडी कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम सारे नमक पारे को फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।